अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मराना रिफ्टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूएसबी से अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को या लैपटॉप को एंड्रॉइड कैसे बना सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपने एक यूएसबी ले लेनी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और उसको अपने सिस्टम पीसी के साथ या अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने गूगल को ओपन करना है और गूगल पे आपने ये लिखना है bliss.org, जैसे आप ये लिखेंगे तो सबसे पहला वाला जो लिंक है वो आपने ओपन करना है, bliss os for pc। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको जो है आपने कर लेना है, इस पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड फॉर योर पीसी। इससे ये होगा कि जो आपका कंप्यूटर है, सिस्टम है, पीसी या आपका जो लैपटॉप है वो एंड्रॉयड बन जाएगा। जिस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में जो प्ले स्टोर यूज़ करते हैं और जो अपनी ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेम आप उसको अपने कंप्यूटर को उस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ब्लिस ओएस जो है 14, 15 और 16 इसमें लिखा होगा, आपने जो है 14 वाले पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसकी जो ISO फाइल है वो तो जो है 32-bit और 64-bit दोनों में हो जाएगी। तो यहाँ से इसको जो है आपने डाउनलोड कर लेना है और इसका जैसे जैसे आगे मैं आपको मैथड बताऊँगा आपने उसको सेम इसी तरह मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ से हम जो है दोबारा गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे RUFUS रिफ्यूज, ये सॉफ्टवेयर है जी, हमने इसको भी एक डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर को जो है हम इसलिए डाउनलोड करेंगे कि हम अपने यूएसबी को जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है हम बूट बना सकें। तो इस सॉफ्टवेयर को भी हमने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। तो ये मैंने जो है यूएसबी लगाई हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16 GB की मैंने यूएसबी लगाई हुई है। और जो ये फाइल है ये भी मैं कर चुका हूँ। तो ये ISO फाइल है हमारे पास bliss.org की। उसके बाद जो है हमने अभी जो RUFUS वाला सॉफ्टवेयर था इसको जो है अभी हम रन करेंगे, और जैसे हम रन करेंगे इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये पेज आएगा। सबसे पहले तो ये हमें बता रहा है कि जी आपकी USB जो है इस पर कनेक्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको माई कंप्यूटर में जाकर दिखाया है, हमारी USB इसके साथ लगी हुई है। उसके बाद हम यहाँ से इसमें सेलेक्ट करेंगे अपनी जो हमारी अभी हमने फ़ाइल की थी, ISO फाइल जो की थी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो हमने इसका बूट बनाना है। ब्लिस ISO फाइल है जो हमने इसको एक फाइल को अंदर कंप्यूटर में जहाँ पे थी उधर से सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से हम इसकी पार्टीशन जो है इसको GPT में कर देंगे। उसके बाद जो हम अपना फाइल सिस्टम है इसको FAT32 में ही रहने देंगे और नीचे से हम इसको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें ये जो भी कहेगा हमने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और थोड़े से टाइम में जो है इसकी जो ISO फाइल्स जो हैं वो हमारी USB में जो है इसका बूट बन जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से आगे चलाना है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये डन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी USB जो है ये बन चुकी है, वो फाइल्स जो हैं इसमें USB में आ चुकी हैं। अब जो है सिंपली हमने अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करना है। जैसे हम अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो अपना हम बूट मेन्यू जो है वो ओपन करेंगे। तो मेरा HP का सिस्टम है तो मैं इसका F9 पे क्लिक करता जाऊंगा और हमारा जो बूट मेन्यू है ये ओपन हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है जी अपनी डिवाइस जो है वो सिलेक्ट करें, हमने जो USB जो लगाई हुई है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे USB को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारी जो USB में जो सारी सॉफ्टवेयर बना हुआ था वो रन हो जाएगा और ये हमारा जो सक्सेसफुली जो है हमारा ये कंप्यूटर जो है वो एंड्रॉयड बन जाएगा। इसी तरह से आप अपने USB को इसमें, इसी तरह से USB को अपने सॉफ्टवेयर से जो है इसको बनाएं, अपना एंड्रॉयड में इसको करें और किसी भी कंप्यूटर में जाके आप लगाएँ, किसी भी लैपटॉप में जाएँ लगाएँ, आपने जो है उसको एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे हमारे पास एंड्रॉयड होता है जैसे मोबाइल वगैरह, सेम उसी तरह से बन चुका है। उसी तरह से इसका नीचे नेविगेशन मेन्यू भी आ रहा था और ऊपर से इसकी देख रहे हैं आप जैसा कि वाईफाई और सारा, जैसे हम अपना मोबाइल को चलाते हैं उसी तरह से हमारी ये स्क्रीन बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।